मूवी स्टार्ट होती है एंड्रयूज नाम के एक आदमी से जो कि एक स्ट्रीट परफॉर्मर था। वो अपने पेट मंकी वीवो के साथ बहुत मजे मजे की परफॉर्मेंसेस किया करता था। ये दोनों बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते थे, एक दूसरे से बात तो नहीं कर पाते थे बट म्यूजिक के थ्रू एक दूसरे को अपनी फीलिंग समझा देते थे। एक दिन एंड्रयूज अपनी परफॉर्मेंस में सबको बताता है कि वो वीवो से कैसे मिला था, उसने वीवो की जान बचाई थी और तब से ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। अब इन दोनों दोस्तों की लाइफ बहुत परफेक्ट चल रही थी कि एक दिन एंड्रयूज को उसकी दोस्त का लेटर आता है जिसका नाम था मार्टा। वो मियामी की एक बहुत ही फेमस सिंगर थी। उसकी लाइफ की अब लास्ट परफॉर्मेंस आने वाली थी जिसके लिए वो एंड्रयूज को इनवाइट कर रही थी कि वो भी उसके साथ परफॉर्म करे। ये न्यूज जब आसपास के लोग सुनते हैं तो वो एंड्रयूज के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसी के लिए वो बहुत मदद भी करते हैं कि किसी तरीके से एंड्रयूज भी मियामी जा सके। सब लोग बहुत सारा पैसा भी जमा कर लेते हैं इसके लिए। पता चलता है कि एंड्रयूज और मार्टा बहुत पहले एक साथ परफॉर्म किया करते थे। एंड्रयूज तो मार्टा को पसंद भी बहुत ज्यादा करता था। यहाँ पर एंड्रयूज पियानो बजाता था और मार्टा अपनी खूबसूरत आवाज में गाया करती थी। एंड्रयूज मार्टा को दिल ही दिल में बहुत पसंद करता था लेकिन वो ये बात कभी भी उसे बता नहीं सका और एक दिन ऐसे ही मार्टा मियामी चली गई। इसके बाद तो उसे लग रहा था कि अब उसका प्यार कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन इस लेटर के आने के बाद उसे लग रहा था कि शायद किस्मत उसे एक और मौका दे रही है। एंड्रयूज तो अब बहुत एक्साइटेड होकर मियामी की तैयारी करने लगता है पर वीवो को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आती। वो यहाँ की लाइफ से इतना ज्यादा कम्फर्टेबल हो चुका था कि एक नई जगह पे जाने का आइडिया उसे पसंद नहीं आता और वो थोड़ा नाराज भी हो जाता है एंड्रयूज से। फिर एंड्रयूज वीवो को बताता है और समझाता है कि कैसे उसने मार्टा के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग लिखा है और इसी सॉन्ग को सुना के वो उसे अपनी दिल की बात समझाएगा। अब ये प्यारी बात सुनकर तो वीवो भी रेडी हो जाता है कि वो भी इनके साथ चलेगा मियामी, पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सुबह जब वीवो उसके रूम में जाता है तो देखता है कि एंड्रयूज अब इस दुनिया में नहीं रहा, अब उसका फ्यूनरल था। वहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लोरिडा से एक लड़की अपनी बेटी के साथ आई है जिसका नाम रोजा था और बेटी का नाम गैबी था। यहाँ पर वीवो बहुत ज्यादा दुखी था। गैबी उसे मिलती है और बताती है कि मैं भी बहुत ज्यादा उदास हूँ क्योंकि मेरे फादर भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वीवो दिल ही दिल में प्लान बनाता है कि वो ये सॉन्ग किसी तरीके से मार्टा तक जरूर पहुँचा के रहेगा क्योंकि ये एंड्रयूज की शायद लास्ट विश थी। अब अगले दिन गैबी जब अपनी मॉम के साथ वापस जा रही थी तो यहाँ पर वीवो सोचता है कि मैं भी इनके साथ ही फ्लोरिडा जाता हूँ और ऐसे ही एक बैग में छुप के उनके साथ चला जाता है। फ्लोरिडा में जब वापस आते हैं तो गैबी की मॉम गैबी को एक यूनिफॉर्म देती है जो कि गर्ल स्काउट कुकीज की थी। यहाँ पर इन गर्ल स्काउट्स का काम था कुकीज बेचना और उससे जो पैसे जमा होते थे वो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को बचाने में लगा देती थी। गैबी की मॉम को लगता था कि इस काम के थ्रू शायद गैबी की कुछ फ्रेंड्स बन जाए पर गैबी को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। गैबी इन सब बातों से बहुत तंग थी और यहाँ पर उसे कुछ आवाज आती है। पता चलता है कि एक बैग कुछ अजीब सा मूव कर रहा है, उसके अंदर से वीवो निकलता है। ये देखकर तो गैबी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो खुद भी वीवो को अपने साथ लेकर आना चाहती थी। यहाँ पर गैबी वीवो को बताती है कि वो बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं और उसे कोई समझ भी नहीं पा रहा। इसके बाद वीवो प्लान करता है कि वो मियामी खुद ही चला जाएगा। वो इस घर से बाहर निकलता है कि ये प्लान मैं खुद ही पूरा कर लूं। आगे उसे एक खौफनाक सा डॉग मिलता है जिससे डरकर वो बेचारा खुद दोबारा वापस आ जाता है गैबी के पास। अब गैबी भी वो देख लेती है सॉन्ग जो कि एंड्रयूज ने मार्टा के लिए लिखा था और वो समझ आती है कि वीवो ये सॉन्ग मार्टा तक मियामी पहुंचाना चाहता है और इसके लिए वो भी रेडी हो जाती है। यहाँ पर गैबी ऑनलाइन टिकट्स बुक करती है उस कॉन्सर्ट के लिए जहाँ पर मार्टा ने सिंग करना था। दूसरी तरफ हम मार्टा को भी देखते हैं जो कि उस कॉन्सर्ट हॉल में पहुंच चुकी थी। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि एंड्रयूज के साथ एक बार फिर से परफॉर्म करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैबी भी वीवो को लेकर बस स्टेशन जा रही है ताकि ये लोग मियामी जा सकें। ये दोनों जब बस स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर गर्ल स्काउट की और लड़कियाँ भी पहुँच जाती हैं। जब वो गैबी को देखती हैं तो उससे पूछती हैं कि तुम काम क्यों नहीं कर रही। गैबी यहाँ पर कुछ और सोच नहीं पाती और इनको वीवो दिखा देती है, बताती है कि ये वाइल्ड लाइफ एनिमल है और मैं तो इसी को बचाने में लगी हुई हूँ। बाकी सारी गर्ल स्काउट गर्ल्स बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती हैं और गैबी से कहती हैं कि वीवो को हमें दे दो, पर गैबी तो ऐसा कर नहीं सकती थी। वहाँ पर वो अपनी साइकिल को लेकर बहुत तेज चलाने लगती है। दूर से ही गैबी को नजर आ रहा था
कि जिस बस में इन लोगों ने जाना है वो तो जा चुकी है। इसके बाद भी गैबी बहुत तेज साइकिल चलाती है। इसके पीछे गर्ल स्काउट की लड़कियां भी लगी हुई थी। ये बहुत कोशिशों के बाद भी पहुंच नहीं पाती। इनफैक्ट ब्रिज के नीचे एक शिप थी जिसपे बहुत ज्यादा सैंड था। ये दोनों उसी में गिर पड़ते हैं। इसके बाद गैबी सोचती है कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये लोग एक बोट बनाते हैं जिससे ये लोग मियामी जा सकें। घर पे गैबी की मॉम देखती है कि गैबी तो कहीं मिल ही नहीं रही और उसके लैपटॉप में मियामी के एक कॉन्सर्ट के टिकट्स बुक हुए हैं, जिससे वो भी समझ जाती है कि गैबी तो अब मियामी जा चुकी है और वो भी निकल पड़ती है उसके पीछे। दूसरी तरफ गैबी और वीवो एक फॉरेस्ट तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये लोग एंड्रयूस के लिखे सॉन्ग को भी गाते हैं और एंजॉय करते हैं। अचानक से एक बहुत तेज तूफान आता है और वो पेज जिसपे वो सॉन्ग लिखा था उड़ जाता है उनके हाथ से। गैबी बहुत मुश्किलों से उस पेज को तो पकड़ लेती है, पर इसी सब के दौरान वीवो से अलग हो जाती है। गैबी को ढूंढते ढूंढते वीवो को एक बर्ड मिलता है जो कि अपनी जान देने वाला था। इस बर्ड का नाम डैन था और वो इसीलिए जान दे रहा था क्योंकि जिस बर्ड से वो प्यार करता है वो उसका कोई खास ख्याल नहीं रखती और ना ही उससे बात करती है। इसके बाद वीवो बहुत मेहनत करता है कि किसी तरीके से इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और जैसे ही इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती है डैन उस बर्ड के साथ उड़ जाता है दूर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मियामी में माता अभी भी इंतजार कर रही है एंड्रयूस का कि वो कब आएगा और ये लोग कब परफॉर्म करेंगे एक साथ। दूसरी तरफ गैबी भी वीवो को ढूंढ रही थी और ऐसे ही करते करते उसका सामना होता है गर्ल स्काउट की लड़कियों से जिसके पास अब वो सॉन्ग भी था। ये सब लड़कियां गैबी से कहती हैं कि अगर वीवो हमें दे दो तो ये सॉन्ग हम तुम्हें वापस कर देंगे और वीवो को ढूंढने में हमारी मदद करो। ये सारे गर्ल स्काउट को चाहिए था कि वीवो को किसी तरीके से बचा लें क्योंकि वो एक वाइल्ड लाइफ एनिमल था। दूसरी तरफ हम वीवो को देखते हैं जिसका सामना अब एक बहुत ही बड़े खतरनाक स्नेक से होता है। बहुत मुश्किलों से वीवो खुद को बचा रहा था लेकिन ये स्नेक तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ा था। ये स्नेक तो अब बिल्कुल ही वीवो के पास था कि अचानक से दोबारा से वही बर्ड आता है और वीवो को बचा लेता है। अब ये वीवो को लेकर आसमान पे उड़ रहा था कि इनको गैबी की आवाज आती है। ये लोग देखते हैं कि अब वो बहुत ही बड़ा सा स्नेक गैबी और बाकी गर्ल स्काउट के पीछे था और अब वीवो जाता है उसको बचाने के लिए। वीवो एक दूर से ट्री पर खड़ा हो जाता है और उस स्नेक का ध्यान अपनी तरफ करता है ताकि वो गैबी का पीछा छोड़ दे, और इसके बाद बहुत ही चलाकी से एक दरख्त के आसपास घूमता है जिससे वो स्नेक बहुत मुश्किल से वहीं पर फंस जाता है। गैबी और बाकी सारी लड़कियां वीवो की इस बहादुरी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती हैं। इसके बाद अब वो लड़कियां भी प्लान करती हैं कि किसी तरीके से वीवो और गैबी को मियामी लेके जाया जाए। अब ये लोग नोट करते हैं कि इस सब में इनका वो सॉन्ग तो बिल्कुल खराब हो गया है। पानी में बहकर वो पेज बहुत खराब हो चुका था। वीवो को लगता है कि शायद वो एंड्रयूस का सपना पूरा नहीं कर सकेगा। इस बात से वीवो बहुत ज्यादा दुखी था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्टा को भी न्यूज मिल जाती है कि एंड्रयूस की डेथ हो चुकी है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और स्टेज पर जाने से भी इनकार देती है। वीवो बोट पे बैठा उदास था और सोच रहा था कि शायद अब उसे वापस चले जाना चाहिए कि वो सुनता है कि गैबी वही सॉन्ग गा रही है जो एंड्रयूस ने लिखा था, जिसके बाद वो बहुत खुश होता है क्योंकि सॉन्ग की मेलोडी उसको भी याद थी और वो गैबी के साथ मिलकर ये सॉन्ग अब लिख सकता है। इस बात से तो सब बहुत खुश होते हैं। अब ये लोग अपनी बोट मोड़ लेते हैं मियामी की तरफ और लग जाते हैं दोनों उस सॉन्ग को लिखने के लिए। दूसरी तरफ जब ये उस क्लब तक पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि गैबी की मॉम भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और वो गैबी को देखकर बहुत गुस्सा होती हैं और उसे कहती है कि वापस चलो, बट गैबी और वीवो बहुत मुश्किलों से भागकर क्लब के अंदर चले जाते हैं। अंदर सिक्योरिटी से बचते हुए ये दोनों एक बहुत ही सुनसान से कॉरिडोर में आ जाते हैं जहाँ पर गैबी वीवो से कहती है कि अब बाकी सारा काम तुम्हें खुद अकेले करना होगा। खुद तो वो पकड़ी जाती है और वीवो को एक विंडो के थ्रू बाहर भेज देती है। वीवो भी बिल्डिंग में बहुत मुश्किलों से मार्टा के रूम तक पहुंच जाता है, जहाँ पर जब वो पहुंचता है तो देखता है कि मार्टा अब भी उस न्यूज को देख रही है जिसमें बताया है कि एंड्रयूस की डेथ हो गई है। उसमें वीवो की भी पिक्चर थी। जैसे ही मार्टा वीवो को देखती है तो वो पहचान लेती है। इसके बाद वीवो उसे वो सॉन्ग पकड़ाता है। मार्टा जब वो सॉन्ग देखती है तो बहुत दुखी होती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो सोचती है कि एंड्रयूस ने उसे अपनी दिल की बात पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि वो खुद भी दिल ही दिल में एंड्रयूस को बहुत पसंद करती थी। मार्टा वीवो को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलती है
और ये दोनों एक बहुत ही इमोशनल सा मोमेंट एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैबी की मॉम उसे फ्लोरिडा वापस लेके जा रही है। रास्ते में वो सारी स्टोरी अपनी मॉम को बताती भी है, पर वो उसकी बात पे यकीन नहीं करती कि वीवो भी इसके साथ है। यहाँ पर अचानक से हम देखते हैं कि वीवो गाड़ी के ऊपर आ जाता है, जिसके बाद गैबी की मॉम को यकीन आता है कि गैबी ठीक कह रही है। गैबी अपनी मॉम से कहती है कि जैसे मैं अपने डैड को नहीं बता सकी थी कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ और मैंने इन्हें खो दिया, इसी तरीके से एंड्रयूज भी मार्टा को नहीं बता सका था और यही रीजन था कि मैं वीवो की मदद करना चाहती थी। अब ये सारी बात सुनकर गैबी की मॉम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और गाड़ी वापस मोड़ती है ताकि कॉन्सर्ट को एंजॉय किया जा सके। जहाँ पर जब ये लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मार्टा उसी एंड्रयूज का सॉन्ग को प्ले कर रही है। वीवो तो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि फाइनली उसका मिशन पूरा हो चुका था। उसने एंड्रयूज की दिल की बात मार्टा तक पहुंचा दी थी। एंड सीन में हम देखते हैं कि वीवो अब गैबी के साथ ही फ्लोरिडा में रहता है, जहां पर ये लोग स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस देते हैं। एक दिन मार्टा भी इनके पास आती है, जिसके बाद स्ट्रीट परफॉर्मेंस होती है और ऐसे ही खुशी खुशी मूवी एंड हो जाती है।